जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है सर। हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। और मेरे सुनाते हैं, आप सभी ने लॉरेंस बिश्नोई का लेटेस्ट इंटरव्यू देखा होगा जहां पर उसने बोला है कि मेरा लक्ष्य तो सलमान का अंत करना है। पर ऐसा क्यों? क्यों बिश्नोई समाज जो है काले हिरणों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है? क्यों उनको इतना ज्यादा दुख हुआ काले हिरणों की हत्या पे? और क्यों सलमान को मुक्ति धाम मंदिर जाना पड़ेगा क्षमा याचना करने ताकि उसका जीवन बच सके? सब बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखो। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बिश्नोई समाज के बारे में। तो ये समाज सबसे बड़ा प्रकृति का रक्षक है, और आपने फोटोज में देखा होगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बच्चों को अपना खुद का दूध पिलाती हैं। तो यानी यहाँ तक समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे देहांत के बाद हिंदुओं में एक परंपरा है कि अपने शरीर को अग्नि दाह किया जाता है, परंतु बिश्नोई समाज लकड़ियों को बचाने के लिए अपने आप को दफनाते हैं ताकि वो जो लकड़ियां जलने वाली वो बच जाए। और खाना बनाने के लिए भी ये लोग गायों के उपलों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका नाम बिश्नोई कैसे पड़ा। तो बिश्नोई एक डिजिट से बना है जिसको हम हिंदी में कहते हैं 29, बट अब अगर 29 को अलग अलग करो तो ये बन जाता है 20 और 9, यानी कि 20 9। अब ये 29 क्या है? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा बिश्नोइयों के गुरु के बारे में। गुरु श्री जम्बेश्वर भगवान बिश्नोई धर्म के संस्थापक थे, और जम्बू जी का जन्म एक ठाकुर राजपूत परिवार में विक्रम संवत 1500 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि वो 7 साल की आयु तक कुछ भी नहीं बोले थे, और उसके बाद उन्होंने हरि नाम का जप शुरू करा था। और मुझे जहाँ तक लगता है हरि नाम का जप करते थे, हो सकता है कि वो विष्णु जी के भक्त रहे हो। और उन्होंने ही 29 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जिनकी फॉलो करने वाले को बिश्नोई कहा जाएगा। और ये जो 29 प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे, और मुझे तो ये लगता है कि हर एक सनातनी को ये फॉलो करनी चाहिए अपने जीवन में। और इस समाज में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, जितने काम पुरुष करते हैं इसके अंदर नियमों का पालन उससे बढ़ चढ़कर महिलाएं करती हैं। और इस समाज को देख के एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी हाईफाई स्कूल में बच्चों को बैठा के पढ़ाओगे कि हमको वातावरण की रक्षा करनी चाहिए तो शायद वो ना सीखे, बट हमारे धर्म ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि कैसे एक पूरा समाज है जो कि इस काम में 100-200 सालों से लगा हुआ है, परंतु हमारे बारे में कोई नहीं जानते। लोग हमारे को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग अपने आप को सही से मार्केट नहीं कर पाते। और जहां तक बात रही काले हिरण की, तो वहां काले हिरण की जगह कोई भी होता तो बिश्नोई समाज उतना ही ज्यादा दुखी होता जितना वो अभी है। और हमको एक और बात समझनी पड़ेगी कि वो समाज कितना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आप इतना समझ सकते हो कि उनका मुंह मांगा पैसा मिल सकता था सिर्फ अपना मुंह बंद रखने का कि हाँ भाई हमने कुछ नहीं देखा, और शायद उनकी सातों पुश्तें खुश हो जाती, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। धर्म के मार्ग पे चलते हुए उन्होंने सत्य बोला। उनको उनके जीवन का भी डर दिखाया हुआ कि तुम्हारे साथ ये करवा देंगे वो करवा देंगे, फिर भी उन्होंने अपने धर्म से नहीं डिगे। और सच्ची में जो हम लोग आजकल ऑनलाइन कट्टर हिंदू देखते हैं, सच्ची में असली हिंदू ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये हैं अपने धार्मिक सनातनी हिंदू जो कि अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब बात करते हैं उस मंदिर के जहां पर जाके अगर क्षमा याचना सलमान कर ले तो उसका जीवन बच सकता है। तो इस मंदिर का नाम है मुक्ति धाम मुकाम मंदिर, और ये मंदिर जो है बिश्नोई के गुरु श्री जम्बेश्वर भगवान जी के पवित्र शरीर का अंतिम पड़ाव है, इसलिए इस जगह की बहुत ज्यादा महत्व है बिश्नोई समाज के अंदर। और अगर वो यहाँ जाके माफी मांग लेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। पर हमको क्या देखने को मिलता है कि उन्हें माफी मांगना तो दूर, बट उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डबल कर ली, गाड़ियां बुलेट प्रूफ लगा ली, बट ये माफी मांगने वाला काम नहीं करा। और यही हमारे पूरे इतिहास में सबके अंत का कारण यही रहा है, चाहे आप रावण लो, चाहे आप कौरव को लो, चाहे आप कंस को लो, सब यही अपने अहंकार में चूर थे, और उन सब का अंत आप जानते हो। और आपकी क्या राय है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि मैं गाइडलाइंस के चलते यूट्यूब पे सब कुछ नहीं बता सकता, तो आप लोग कमेंट करके जाओगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और लोगों को समझने के लिए।